हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं भाई सब बढ़िया होगा। दोस्तों, खाना हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है। बिना खाने के भाई हम जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस दुनिया में देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो जीने के लिए खाते हैं और दूसरे वो जो खाने के लिए जीते हैं। आज के समय में ज्यादातर लोग दूसरी श्रेणी में खुद को गिनते हैं, जिनका मकसद सिर्फ तरह तरह के खाने का लुत्फ उठाना होता है। नई जगह जाने पर शाकाहारी लोगों को बहुत बार दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि कुछ जगहों पर नॉनवेज के अलावा कोई अन्य डिश नजर ही नहीं आती। इस दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां लोग रोजाना ही नॉनवेज और मीट का सेवन करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 देशों के बारे में बात करेंगे जहां सबसे ज्यादा मात्रा में मीट खाया जाता है। साथ ही इस वीडियो में हम दुनिया के 10 देशों में कौन कौन से डिशेस सबसे लोकप्रिय हैं आपको ये भी बताएंगे, और अगर आप इन देशों में जाएं तो आपको क्या क्या ट्राई करना चाहिए इस बारे में भी बताएंगे। बस आप इस वीडियो में अंत तक हमारे संग बने रहिए। डेनमार्क। दोस्तों, डेनमार्क दुनिया के सबसे खुशहाल और समृद्ध देशों में एक माना जाता है। यहाँ के लोग खुलकर अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं सरकार की ओर से फ्री दी जाती हैं। खाने की बात करें तो डेनमार्क का डेनिश फूड आज पूरी दुनिया में पॉपुलर है। इस देश में सुबह शाम दिन रात लोग नॉनवेज खाना ही पसंद करते हैं। यहाँ तक कि सैलड जैसी चीजों में भी लोग सी फूड खाते हैं। फिश और पोर्क को यहाँ सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। डेनमार्क की सबसे लोकप्रिय डिश स्टेस्ट फ्लेस्क है, जो पोर्क से तैयार की जाती है। इसे लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। वहीं यहाँ के ओपन सैंडविचेस देखकर भी आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इस सैंडविच को स्मोरेबॉट कहते हैं, जिसमें कई सब्जियों के साथ फिश और कोल्ड मीट की फिलिंग की जाती है। यही वजह है कि डेनमार्क में हर व्यक्ति साल भर में 95.2 किलोग्राम मीट खा जाता है। इसराइल। आज से 6-7 दशक पहले तक इस दुनिया के नक्शे पर इसराइल देश का नामो निशान तक नहीं था, लेकिन आज ये दुनिया के सबसे विकसित देशों की सूची में शुमार है। इसराइल में हर व्यक्ति औसतन साल में 96 किलोग्राम मीट की खपत करता है। अगर आप इसराइल जाएं तो एक बार यहाँ का पारंपरिक ब्रेकफास्ट जरूर खाइए। अगर आपने जिंदगी में वो नहीं खाया तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। इसराइल की गाय दूध उत्पादन के मामले में दुनिया में पहले नंबर पे आती है, और नॉनवेज के अलावा इसराइल की आइसक्रीम दुनिया भर में फेमस है, और कई अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम यहाँ मिलती है। अर्जेंटीना। चलिए बात करते हैं उस देश के बारे में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ फुटबॉल के लिए भी प्रसिद्ध है। अर्जेंटीना देश ने ही दुनिया को पहली बार फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस देश में वेजिटेरियंस के पास खाने के ऑप्शंस बहुत ही कम है। यहाँ शाकाहारी लोग सिर्फ ब्रेड और सैलड पर ही जिंदा रह सकते हैं। अर्जेंटीना में प्रति व्यक्ति हर साल 98.1 किलोग्राम मीट खा जाता है। अर्जेंटीना की प्रमुख डिशेज में असादो भी शामिल है, जिसे पेरेलेदा के नाम से भी जाना जाता है। ये डिश ग्रिल्ड मीट से तैयार की जाती है। ग्रीन सासा की डिश चिमीचुरी को भी लोग उंगलियां चाट चाट के खाते हैं, और प्रोवोलिता एक ऐसी चीज से बनी डिश है जिस पर अर्जेंटीना ने ट्रेडमार्क लिया हुआ है। इसके अलावा चोरेपेन यहाँ का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है, जो सॉसेजेस से बनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया यूरोप का एक बेहद ही खूबसूरत देश है। हिटलर ने अपने जीवन का ज्यादातर समय जर्मनी में ही व्यतीत किया, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि हिटलर का जन्म ऑस्ट्रेलिया के एक गांव में हुआ था। इस देश में लोग सबसे ज्यादा पोर्क खाना पसंद करते हैं। वीनिश निट्जल ऑस्ट्रेलिया की नेशनल डिश है, जिसे मीट कटलेट्स और ब्रेड पीस की मदद से तैयार किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के असली स्वाद का लुत्फ उठाना है तो एक बार वियना सॉसेज को जरूर ट्राई कीजिए। इसे पोर्क और दूसरे मीट की मदद से तैयार किया जाता है। और नॉर्डेल एक प्रकार का सूप है, लेकिन ये कोई साधारण सूप नहीं है। इसमें भी ऑस्ट्रेलिया के लोग मीट बॉल्स डालकर पीते हैं। अभी तक ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी डिशेस के बारे में हमने आपको बताया ना, उन सभी में पोर्क जरूर शामिल होता है। इसी से आपको अंदाजा लग गया होगा दोस्तों कि यहाँ पर लोग नॉनवेज खाने के कितने बड़े शौकीन हैं। ऑस्ट्रेलिया में सालाना प्रति व्यक्ति 102 किलो मीट का सेवन करता है। न्यूजीलैंड। दोस्तों, न्यूजीलैंड की गिनती डेनमार्क के बाद सबसे कम भ्रष्ट देशों में की जाती है। इस देश की कोस्ट लाइन 14,000 किलोमीटर की है। अब न्यूजीलैंड में कहीं पर भी क्यों ना हो, समुद्र तट आपसे सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर ही होगा। इस देश में भेड़ों की संख्या इंसानों के मुकाबले लगभग 10 गुना ज्यादा है। न्यूजीलैंड में लगभग हर प्रकार का नॉनवेज फूड खाया जाता है, जिसमें सी फूड से लेकर मटन और चिकन तक सब कुछ शामिल है। निस्बिन यहाँ का एक पॉपुलर रेस्टोरेंट है, जहाँ पर बेहतरीन सी फूड मिलता है, जिसे क्रेफिश से तैयार किया जाता है। इस देश में लैब मीट खाना भी लोगों को काफी पसंद है। माउरी हैंगी यहाँ का पारंपरिक खाना है, जिसे खास तरीके से जमीन के ऊपर पकाया जाता है। इस डिश में पोर्क और मटन मुख्य सामग्री होती है, जिनके साथ आलू, कद्दू और अन्य कई सब्जियों को डाला जाता है। दुनिया का बेस्ट सी फूड भी आपको न्यूजीलैंड में ही मिलेगा। अक्सर वीकेंड पे लोग घरों के बाहर बारबेक्यू लगाते हैं और उसमें नॉन वेज डिशेस को पकाकर जमकर मौज मस्ती करते हैं। न्यूजीलैंड में हर साल प्रति व्यक्ति 106.4 किलो मीट खाता है। लक्समबर्ग। लक्समबर्ग यूरोप का सबसे अमीर देश माना जाता है। पूरी दुनिया में पर कैपिटा के मामले में ये कतर के बाद दूसरे स्थान पे आता है। आधी रात को भी महिलाएं सड़कों पर अकेली घूम सकती हैं। यही वजह है कि इस पूरे देश में सिर्फ 1300 पुलिस कर्मी हैं और 2 जेलें हैं। लक्समबर्ग के कल्चर में फ्रेंच और जर्मन कल्चर का प्रभाव काफी देखने को मिलता है। इस देश में पोर्क, चिकन सब कुछ खाया जाता है। एवरेज तौर पर लक्समबर्ग का एक व्यक्ति सालाना 108 किलो नॉनवेज खा जाता है। यहाँ की स्पेशल डिश की बात करें तो छोटे छोटे सॉसेजेस से बना थरिंगर काफी खाया जाता है। यहाँ पर एक छोटी मछली
मछली को डीप फ्राई करके एक डिश बनाई जाती है जिसका नाम है फ्रिचर्डिला मोसेल। इसके अलावा जूट मेड गार्डी बोनेन यहाँ की एक पॉपुलर डिश है जिसे पोर्क बीन्स और बियर से तैयार किया जाता है। ये यहाँ की नेशनल डिश भी है। यहाँ की डिशेस में फ्रेंच और जर्मन के अलावा इटली और पुर्तगाली का मिश्रण भी देखने को मिलता है। संडे के दोपहरों या फिर कोई भी नेशनल हॉलीडे लक्जमबर्ग के लोगों को शाही खाना खाने के लिए बस मौके की तलाश रहती है। बुनेस चिलोप एक प्रकार का मीठा सूप होता है जो अलग अलग सब्जियों से बनाया जाता है। लक्जमबर्ग एक लैंडलॉक कंट्री है, इसके बावजूद यहाँ पर मछलियाँ काफी खाई जाती हैं। समुद्री तट होने के कारण यहाँ फ्रेश वाटर की ट्राउट और पाइक आसानी से मिल जाती है। दी बहामास। बहामास नॉर्थ अमेरिका का एक बेहद ही खूबसूरत देश है। ये देश 700 से ज्यादा छोटे बड़े आइलैंड्स को मिलाकर बना है, लेकिन यहाँ लगभग 30 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं। ये देश हर साल लाखों सैलानियों को आकर्षित करता है। यहाँ के समुद्री तट दुनिया के सबसे खूबसूरत समुद्री तट माने जाते हैं। फूड लवर्स के बीच घूमने के लिए बहामास पहली पसंद है। इस देश में आपको सी फूड की इतनी वैरायटी मिलेंगी कि आप कई दिन बिताने के बाद भी सभी को टेस्ट नहीं कर पाएंगे। सॉस के जरिए यहाँ ज्यादातर मील की शुरुआत की जाती है जो पोर्क मीट, लाइम जूस, मसाले और प्याज से तैयार किया जाता है। फिश एंड ग्रिट्स के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये फिश की एक डिश है, लेकिन इसमें फिश के साथ पोर्क को भी मिलाया जाता है। अक्सर सुबह के समय बहामास में लोग इस डिश को खाते हैं। बहामास की सबसे लोकप्रिय डिश कॉन्च मॉलस का मांस है। ये समुद्र में पाया जाता है। इसे बहामास में कई डिशेस तैयार की जाती हैं, जिनमें कॉन्च फ्रिटर्स, कॉन्च चाउडर्स, कॉन्च सैलेड, स्कॉर्शेट कॉन्च जैसी डिशेस शामिल हैं। बहामास में हर व्यक्ति सालाना 110 किलो मीट की खपत है। ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा आज की लिस्ट के टॉप 3 देशों के बारे में जहां सालाना सबसे ज्यादा मीट खाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारू का देश कहा जाता है। इस देश में इतने बीचेस हैं कि आप रोजाना एक बीच पर भी जाएंगे ना तो सारे बीचेस घूमने में आपको 30 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। ऑसी फूड के बारे में आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा। ये शब्द ऑस्ट्रेलिया के खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अन्य देशों में तो आपको पोर्क, चिकन और मटन जैसी डिशेस ही खाने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे आप कंगारूज का या फिर EMU के मांस का आनंद ले सकते हैं। जी हाँ, इस देश में कंगारू बर्गर और क्रोकोडाइल कबाब खाने को मिलते हैं। मीट पाई यहाँ की एक प्रसिद्ध स्वीट डिश है। यहाँ के सुपरमार्केट्स में भी कई एक्सोटिक फ्लेवर्स मीट के आपको मिलेंगे। अगर आप वाकई में यहाँ पर मीट का आनंद लेना चाहते हैं ना, तो बैरामुंडी को टेस्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ये फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली मछली से तैयार की जाती है जो सेहत के लिए काफी ज्यादा हेल्दी है और लाभकारी भी मानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया में हर व्यक्ति सालाना 115 किलो नॉनवेज खाता है। कुवैत एक ऐसा देश है जहाँ मीठे पानी का कोई भी स्रोत मौजूद नहीं है। समुद्र के पानी को ही डीसेलिनेशन प्रोसेस के जरिए फिल्टर किया जाता है। कुवैत में हर व्यक्ति सालाना 120 किलोग्राम मीट का सेवन करता है। हरीस यहाँ की एक पॉपुलर डिश है जिसे मीट को मैश करके बनाया जाता है। कुवैत की नेशनल और सबसे लोकप्रिय डिश मजबूस है। इसे चावल के साथ सर्व किया जाता है। चावल के अलावा मीट, फिश, मसाले और भी दर्जनों चीजें इसमें मिलाई जाती हैं। कुवैती मछली का आनंद लेना अगर आप चाहते हैं तो मुतबक समक आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। अमेरिका। अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ खाने के सबसे ज्यादा शौकीन पाए जाते हैं। इस देश में हर रोज 50 अरब से ज्यादा बर्गर्स खाए जाते हैं। पूरी दुनिया को बर्गर्स, हॉट डॉग्स, चिली बीन्स जैसी ना जाने कितनी वैरायटीज अमेरिका ने ही दी है। अमेरिका में फास्ट फूड की दीवानगी लोगों में इस कदर छाई हुई है कि रोजाना एक टाइम इस देश में लोग फास्ट फूड खाते ही हैं। इस देश में हर रोज 10 अरब डोनट्स खाए जाते हैं। वैसे अमेरिका की हर चीज दोस्तों लाजवाब और स्वादिष्ट होती है, लेकिन कुछ ऐसी नॉन वेज डिशेस भी हैं जो आपको सिर्फ अमेरिका में ही देखने को मिलेंगी। बफेलो चिकन विंग्स पहली बार 1960 के दशक में अमेरिका में ही परोसे गए थे। बारबेक्यू, रिब्स, रूबन, सैंडविच, मीट लोफ, ग्रेट्स और हैमबर्गर जैसी कई डिशेस यहाँ के घरों में अक्सर बनाई जाती है। अमेरिका की ज्यादातर डिशेस नॉन वेज ही मिलेगी। यही वजह है कि पर कैपिटा मीट की खपत के मामले में अमेरिका नंबर 1 पे आता है। इस देश में हर व्यक्ति सालाना 128 किलो मीट खा जाता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 वो देश जहाँ औसतन प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा मीट खाया जाता है। इस पूरी सूची से एक बात तो भाई बिल्कुल साफ है, जो देश ज्यादा अमीर और विकसित है उन देशों में मीट की डिमांड भी ज्यादा है। नॉन वेज फूड, फल, सब्जियों और अन्य से महंगा आता है और प्राचीन समय से ही ये एक विलासितापूर्ण भोजन की श्रेणी में गिना जाता है। यही वजह है कि गरीब और अफ्रीका देशों में मीट की खपत बहुत ज्यादा नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। क्या आप एक ऐसी दुनिया में रहना पसंद करेंगे जहां आपके पास पैसा होगा ही नहीं? इस बारे में आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।